नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक सवाल जो आपके मेरे सबके दिमाग में इस समय चल रहा है, विल मार्केट क्रैश? क्या कल बाजार टूटेगा? क्योंकि इसराइल फिलिस्तीन में जो अटैक इस समय चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उसको देखते हुए सबके दिमाग में ये सवाल आ रहा है। देखिए, इसके ऊपर स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, इस पर मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना चुका हूं और कोई आंसर नहीं है। बस सिचुएशन को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अब जो भी होगा कल ही देखा जाएगा। लेकिन जो चीजें होनी है, डेफिनेटली होनी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं शेयर बाजार की। इंपॉर्टेंट ये है कि कल मार्केट क्लोजिंग कहां देता है, इतना याद रखना। कल ओपनिंग, बीच का ट्रेड बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्लोजिंग मैटर करती है। क्योंकि अगर कल बाजार गिरकर बंद हुआ, देन डेफिनेटली इस चीज का इंपैक्ट बाजार पे पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में बड़े निवेशक अगर कल बिकवाली करते हैं, सेलिंग करते हैं, देन डेफिनेटली उन्हें लगता है दिस इज सीरियस। और अगर वो बिकवाली नहीं करते हैं और उन्हें बाजार को लेकर कोई टेंशन नहीं है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। हम ही क्यों टेंशन लें? जब बड़े निवेशक अपना पैसा लगाने से नहीं डर रहे हैं तो हम क्यों डरें? ठीक है जी, ये तो हो गया आपके लिए क्लियर इसराइल वाले मामले पे। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर। तो पहला, हम लोग अमेरिका के बाजार को देखें फ्राइडे, तो बहुत ही शानदार तेजी बनी है। अमेरिका के जॉब्स डाटा सब लोग भूल ही गए हैं इस समय कि फ्राइडे यूएस मार्केट में लोएस्ट पॉइंट से 2% की डाउ जोन्स में तेजी थी, 3% की नेस्डेक इंडेक्स में तेजी थी, S&P 500 एंड रसेल 2000 में भी अच्छा खासा मूव आया था। अमेरिका का जॉब्स डाटा आया, वो डाटा तो बढ़िया नहीं था, लेकिन अमेरिका के बाजार ने लोएस्ट पॉइंट से 600 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई, तेजी दिखाई, और लगभग 300 पॉइंट तो हरे निशान में बंद हुआ, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको काफी भरपूर देखने को मिलेगा, तो कुछ स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इनमें से। पहला आपके लिए होगा रिलायंस, जहां पे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आडिया ने लगभग 0.59% स्टेक खरीदा है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 5,000 करोड़ रुपए में, जिसकी वैल्यू निकाली जाए, यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स की अगर टोटल वैल्यूएशन निकाली जाए तो 8,38,000 करोड़ का हो चुका है कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन। और टोटल कंपनी देखा जाए रिलायंस, वो कंटिन्यू गिर रहा है, यानी कि रिलायंस रिटेल अंदर से बढ़ रहा है और टोटल रिलायंस का शेयर गिर रहा है, तो ये कम से कुछ नहीं तो समथिंग इंटरेस्टिंग यहाँ पे पकी रहा है, ये एक चीज क्लियरली देखने को मिल रही है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी 7 अक्टूबर यानी कल सैटरडे को, जहां से कुछ भी अच्छा नहीं आया गेमिंग कैसीनो के लिए। उम्मीद लगाई जा रही थी शायद सरकार रिव्यू करे, बहुत कुछ हुआ, बट इस पे रिव्यू करने का FM फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के क्लियर कट वर्डिंग ये थी कि गेमिंग एंड ऑनलाइन कैसीनोस गेमिंग हॉर्स रेसिंग विल बी टैक्स्ड एट 28%, तो 28% जीएसटी यहाँ लगने वाला है, कोई रिलीफ नहीं मिला है, तो इनके लिए डेल्टा कॉप स्पेशली कल रडार पे रहेगा, जिसके लिए कोई रिलीफ नहीं आया है। वहीं बात की जाए भारतीय स्टॉक्स के बारे में, तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत सारा होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट हो रहा है आपके लिए कल से ही। कल रिजल्ट सीजन की बात करें तो कल छोटे मोटे नंबर्स आपके लिए आते हुए दिखेंगे, लेकिन परसों आपके लिए आएगा एक बड़ा नंबर। कल की बात करो तो धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, एवेंटल एंड KPI ग्रीन एनर्जी, ये कुछ नंबर है जो आपके लिए कल आएंगे। बाकी 10 अक्टूबर की बात की जाए तो GM ब्रेवरीज के नंबर आएंगे, और 11 अक्टूबर से तो फुल फ्लेज एक्शन शुरू, TCS, जेगल प्रीपेड, सामी होटल्स, डेल्टा कॉप, सिग्नेचर ग्लोबल, प्लास्टी ब्लेंड्स, नेशनल स्टैंडर्ड, ये सारे नंबर आपको 11 को आते हुए दिखेंगे। 12 तारीख की बात की जाए तो बड़े नाम में HDFC, AMC, टाटा मेटालिक्स, एंजल वन, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, केशोराम इंडस्ट्री, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, तो ये सारे बड़े नाम है। 13 की बात की जाए तो 13 को भी आपके लिए साइंस सिल्क, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, गुजरात होटल्स, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला अंबानी, ये कुछ बड़े नाम है जो आपके लिए रिजल्ट पेश करेंगे। 14th अक्टूबर को देखा जाए तो यहाँ पे टैक्स मैको रेल, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट जैसे आप लोग जानते हैं, डालमिया भारत लिमिटेड सीमेंट वाला, ये भी अपने नंबर पेश करेगा। 15 अक्टूबर को HDFC बैंक के नंबर आएंगे, साथ ही साथ आपके लिए के सॉल्व्स इंडिया के नंबर भी आते हुए दिखेंगे। स्टॉक स्प्लिट भी अगले हफ्ते बहुत सारे होने वाले हैं, तो उन पे भी आपको नजर बना के रखनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कल बस यही देखना है कि मार्केट इसराइल वाले मामले पे रिएक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो कल इन सारी चीजों को मैं आपके साथ दिन के दौरान कंटिन्यू कवर करता रहूंगा, जो जो अच्छा आएगा, जो जो खराब आएगा, वो सब कवर करूंगा। बट एक चीज आपके साथ इस वीडियो में जरूर कहना चाहूंगा, अगर नेगेटिव रिएक्शन आता है तो बायो डिप्स करना है क्वालिटी स्टॉक्स को, बिल्कुल स्मॉल कैप मिड कैप में मत जाना, लार्ज कैप में।
क्योंकि रशिया यूक्रेन आप देख चुके हो, तब भी बाजार गिरा था, 6 महीने नीचे रहा, जिसने खरीदा उस 6 महीने में पेशेंस के साथ होल्ड कर उसने लाइफ हाई देखा। दोबारा अपॉर्चुनिटी आएगी तो पक्का ग्रैब करना, हम पूरी वीडियो यही बनाते रहेंगे आपके साथ कि भैया अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, हो सकता है 1 महीना लगे 2 महीने लगे लेकिन वापस बाजार रिकवर होगा। कितने बड़े बड़े लड़ाइयाँ हुई, वर्ल्ड वॉर हुए, कोविड हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या मार्केट वापस कभी नहीं हुआ, हमेशा उठाना तो इस बार भी उठेगा, इतना याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।